We are going to start a new chapter called as motion. So here we are having four examples of motion. So first example is the moon revolving around the earth. Second example is an athlete which are moving in a forward direction, the car, the motion of a car, and a train. So these are just the examples of motions, what the motion is. Motion means any objects which moves. It can be living or. Now we are going to start a new topic called as frames of reference. Frames of reference का मतलब होता है कि हम लोग किसी को refer करके उस object का motion जो है वो calculate करते हैं. Now for example अभी इस case में अगर तुम हम लोग देखेंगे ये train है, ये train है, ये आगे जाती है. The train moves in a forward direction. Now with if I take the frame of reference in train, so for the person who is sitting inside the train, for him the train is constant, the objects inside the train are at rest, but for the observer, the observer who is standing outside the train, all the objects inside the train are in motion. सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग अगर देखते हैं कोई आदमी ट्रेन के अंदर बैठा है, उस आदमी के लिए सारे अंदर की चीजें जो है वो कांस्टेंट, वो मोशन में नहीं है, उसके लिए वो रेस्ट पे है. और जो आदमी ट्रेन के बाहर है उसके लिए ट्रेन और उसके अंदर की सारी चीजें वो है वो मोशन में है. तो इसे हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोला जाए तो किस रेफरेंस को लेके हम लोग चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, जो आदमी ट्रेन में है उसके लिए ट्रेन के सारी चीजें रेस्ट में है, मतलब वो मोशन में नहीं है. बट वही चीजें एक आदमी जो ट्रेन के बाहर बैठा है उसके लिए वो मोशन में है. तो इस रेफरेंस मतलब हम लोग ट्रेन, मतलब वो जो आदमी जो ट्रेन के अंदर है उसका ऑब्जर्वेशन अलग है और जो आदमी ट्रेन के बाहर है उसका ऑब्जर्वेशन अलग है. इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. सो अभी यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखें तो द एक्चुअल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंजिंग ऑफ पोजिशन ड्यूरिंग मेजर इंटरवल ऑफ टाइम्स एंड टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और द चेंजेस इन इट्स पोजिशन विद टाइम. सो वी कॉल दिस थिंग, वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग को बताने के लिए वो किस तरह से होता है, कैसे उसको मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है. तो वो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, थ्री डी बोलते हैं वो वाला. टू डी के लिए एक्स वाई यूज करते हैं, थ्री डी के लिए हम लोग एक्स वाई जेड यूज करते हैं. तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं, सो द लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन वी कॉल इट एज एन काइनेमेटिक्स. ना अभी यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है. ये एक मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया हुआ है. और एक अगर मुझे ड्रॉ करना है, मतलब किसी रेफरेंस से मुझे मेजर करना है, तो उसको मैं डिनोट करती हूँ. वो दूसरा वाला ये है ओ डैश, ये उसका खुद का अलग, उसका खुद का ओरिजिन. वाई डैश वाई एक्सेस को पैरेलल होता है, एक्स डैश वो एक्स एक्सेस को पैरेलल होता है, और जेड डैश जो जेड एक्सेस को पैरेलल होता है. तो अगर तुम सिंपल वर्ड्स में अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए तो हम लोग कहां से मोशन उस ऑब्जेक्ट का मेजर कर रहे हैं, ठीक है. सो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस वी आर गोइंग टू मेजर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो दैट इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, जो यहाँ पे मैंने बताई है वो है एक्स वाई जेड. और इस तरह के मोशंस को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है. अभी यहाँ पे तो हमने एग्जांपल्स में देखे हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रेन है, द ट्रेन मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज एन ऑब्जर्वर. फाइन, हियर इन दिस पार्ट दिस इज अ पोल, दिस इज लाइट, दिस इज येलो, दिस इज येलो. द ट्रेन इज इन बिटवीन दिस, in between this two pole. Now in this case you will find that this pole is light and this is off, but the train is bit in a backward direction. And here in this case the pole is, this pole is off and this pole is on, and the train is in the forward direction. Abhi ye jo actually ye jo example jo diya hua maine yahan pe, ye jo picture jo lagayi hai,
वो पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अलग है, बट एक्चुअल में हमें अभी फिलहाल के लिए प्रेजेंटली क्या सीखना है, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आदमी अंदर है उसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा और जो आदमी बाहर है उसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा. ठीक है, नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. अभी इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर्स. वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो चलो पहले सीखते हैं. नाउ ये देखो, ये एक एरो है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे डिनोक करते हैं ओ, उसका जो एंड पॉइंट है पी. सो मैंने स्टार्ट किया ओ से और मैंने एंड किया पी पे. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अभी ये एक्चुअल में हम लोग जब मैथमेटिकली ड्रॉ करते हैं तो इसे इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं. अभी प्रीवियस केस में मैंने जो बताया था वहां पे मैंने इसे वाई एक्सिस बताया था, बट नाउ फॉर द टाइम बीइंग लेट अस कंसीडर दिस एज एक्स एक्सिस. ठीक है, नाउ अभी ये जो ओ है, ओपी, ओ पी, ओ से स्टार्ट किया पी पे एंड किया है. ठीक है, ये एक तरह का वेक्टर है और इस वेक्टर का टोटल जो डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं वो बोलो ए. ठीक है, नाउ इसमें अगर हम देखेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू, जो नंबर यहां से यहां तक है इसका डिस्टेंस, जो 4 सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर ले लो, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया. बट डायरेक्शन बताने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, ये कौन से डायरेक्शन से जा रहा है. अभी मैं यहां से यहां पे ले लू, समझो इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ है और यहां से उल्टा जाऊं तो भी 4 सेंटीमीटर, तो इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा. तो उस चीज के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, यूनिट वेक्टर्स. तो वो है यूनिट वेक्टर्स जो अभी यहां पे हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो यहां पे ए, अभी मैंने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो एक्स एक्सिस है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसे हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, ए. अभी ये जो ए है, ए के ऊपर अभी फिलहाल के लिए ए ये कैप जैसा अपने को ड्रॉ करना होता है. यहां पे देखो ए और उसके ऊपर ये छोटा सा कैप डालना है, सो उसे हम लोग बोलते हैं ए कैप. सो अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ पैरेलल टू ए इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस, सो दिस वी कॉल इट एज एन ए क्रॉस. अभी इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसके लिए इसे क्या बोलते हैं, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, अगर मैंने ये अभी पहले भी बोला ये एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, आई. एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखना आई, ऐसे डॉट डालनी है और ये वैसे ही वापस से कैप डालनी है. ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर. तो अगर मुझे ये ए जो है ये एक्स एक्सिस से जा रहा है, एक्स एक्सिस में ना, तो मैं इसको किस तरह रिप्रेजेंट करूंगी, ए इज इक्वल्स टू दिस इज आई. एक्चुअली हियर वाइल रिप्रेजेंटिंग ऑन द स्क्रीन आई एम नॉट गेटिंग दिस क्राउन, बट हियर दिस टाइप ऑफ क्राउन आई एम नॉट गेटिंग, सो द बट स्टिल आई ट्राई टू गेट दिस क्राउन हियर ऑन दिस आई. सो दिस इज आई क्राउन ए विच इज इक्वल्स टू ए आई क्राउन, मीन्स बोथ आर सेम. इवन इफ आई राइट द यूनिट वेक्टर बिफोर द सिंबल एंड आफ्टर द सिंबल देन ऑल्सो इट इज सेम, मतलब आगे लिखो पीछे लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस से लिया यूनिट वेक्टर, सो लेट्स सी वाई एक्सिस में किस तरह से हमें दिखेंगे यूनिट वेक्टर्स. बड़ा सा डायग्राम आ गया है अभी यहां पे. अभी हम लोग देखेंगे, पहले ये डायग्राम को देखते हैं कि क्या होता है इस डायग्राम में. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में ये है ओरिजिन. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो इसलिए इसको आई क्राउन लिख दिया यहीं पे, और ये वाई एक्सिस है इसके लिए इसको जे क्राउन लिख दिया. ठीक है, अभी यहां पे मैंने क्या बोला है, ये इनिशियल पोजीशन बी है, बी से हम लोग चल के गए ई तक. ठीक है, बी से हम लोग चल के गए ई तक, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो है बीई. ठीक है, अभी B का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे,
जिसका वैल्यू निकलता है एक्स बी, और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उसका वैल्यू बनता है वाई बी, ठीक है। सिमिलरली ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उसका लास्ट का एंड पॉइंट ये ई है, यहां से भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो होता है एक्स ई, और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका वैल्यू होता है वाई बी वाई ई, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं एक्स बी वाई बी एक्स ई वाई ई, इस तरह के इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, ठीक है। नाउ अभी इसको मैंने रिजोल्व किया, यहां से यहां तक इसको ए डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स वेक्टर, यहां से यहां तक इसको रिजोल्व किया ए वाई वेक्टर, ठीक है। सो अगर यहां पे तुम अगर देखोगे, हम लोगों ने वी वुड नीड टू नो टू लेंथ मेजर्ड अलोंग द टू एक्सेस एक्स वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ओ, ठीक है। नाउ जो इसका डिस्प्लेसमेंट है कहां से कहां तक मैंने बोला बीई, ठीक है। नाउ अभी हमें हमारा जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जिसमें उसका एक्स कंपोनेंट क्या है ए एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है ए वाई, अभी यूनिट वेक्टर्स क्या है आई क्राउन जे क्राउन। सो बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो लॉ है वो अप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है, ए क्राउन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, क्राउन नहीं है अभी। सो यहां पे देखो, देन फ्रॉम द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन विल बी द सम ऑफ वेक्टर्स ए एक्स आई क्राउन एंड ए वाई जे क्राउन, सो ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई क्राउन प्लस ए वाई जे क्राउन, ठीक है। बट अगर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। सो हाउ वी विल गेट दिस, सो दैट जस्ट ए इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, पूरा का पूरा स्क्वायर रूट होगा ऐसे के ऐसे ही, ऐसे एंड तक जाता है वो स्क्वायर रूट यहां पे, बट आई कुडंट रिप्रेजेंट इट प्रॉपरली। सो तो ये इस तरह से स्क्वायर रूट पूरा भी एग्जैक्ट प्रॉपरली नहीं आ रहा है, बट यहां से यहां तक ये स्क्वायर रूट जाता है, तो ये क्या होगा ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो इससे हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वे वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अभी यहां पे हम लोगों ने वेक्टर्स से हम लोगों ने एक डायमेंशन का देखा, टू डायमेंशन में देखा कि हमें किस तरह से मैग्नीट्यूड ए कैलकुलेट करना है और ए का एक और रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।